खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है। अब कांग्रेस विधायक के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है। कांग्रेस विधायकों ने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। कांग्रेस विधायकों से प्रदेश की उन्नति पर बात की गई है। सभी विधायकों को विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा गया है। 5 साल में अपनी विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं, ये सवाल भी सीएम ने किया। सीएम मोहन से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी बयान दिया है। जल जीवन मिशन पर जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। हर घर में पानी मिले, मानवता के लिए ये जरूरी है। सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। उसका सर्वे कर मुआवजा दिया जाए, तो ये बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे और तमाम विधायकों के साथ सीएम से उन्होंने मुलाकात भी की। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, यहाँ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ सीएम हाउस पहुंचे, सीएम से भी मुलाकात की है उन्होंने, किन मुख्य मुद्दों को लेकर यहाँ बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में करीब 33 से 40 विधायक मुख्यमंत्री से मिले थे। और खासतौर से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चाहे धान या गेहूं की समर्थन मूल्य की बात हो तो उस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विधानसभा में जो जल संवर्धन को लेकर जो बातचीत की जा रही थी जल संसाधन विभाग की तरफ से, किस तरीके से हर घर जल पहुंचाने की जो योजना है उसमें जो अनियमितताएं थी, भारी भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें विधानसभा में आश्वासन दिया गया था उसकी कार्रवाई होगी, तो उसकी जांच को लेकर बातचीत की है। इसके साथ ही जिस तरीके से बीजेपी विधायकों से सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो एक प्रोजेक्ट मांगा था, जो प्लानिंग मांगी थी, उसको लेकर भी बातचीत की है। कांग्रेस विधायकों से भेदभाव ना हो बल्कि कांग्रेस विधायकों से भी प्रेजेंटेशन मांगा जाए कि अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम करना चाहते हैं। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो लगातार मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री से बातचीत की है। तो कई मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से बात की है और खासतौर से विधायकों को जो विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए राशि आवंटन की बात थी उस पर चर्चा हुई है। इसमें शायद संभवतः मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते का समय मांगा कि अधिकारियों से बातचीत कर वो इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल सूरज, लेकिन कांग्रेस के जब जब विधायक किसी बीजेपी के नेता या मंत्री से मुलाकात करते हैं तो राजनीतिक गलियारे में सरगर्मियां भी तेज हो जाती हैं। हालांकि इस मुलाकात के क्या मायने होंगे ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।